हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ दिनो आर्ट। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉग, जो कि यह है बाघ झोला बोलते हैं और बाघ दुल भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही प्यारा सीन है, जो ऊपर से नीचे तक पानी गिरता है और नीचे से भी मंदिर है छोटा सा। वहीं एक बाबा रहता था और अभी तो फिलहाल नहीं है, कुछ साल के बाद वो बाबा चले गया है। बहुत साल हुआ था, 4-5 साल यहीं अकेले ही बाबा रहता था, जो इस झरन के नीचे में है। और एक झरन जो कि छोटा सा झरन है, वो एक गुम्फा भी है, आगे देखते जाओ उसी गुम्फा पे एक मंदिर है, शिवलिंग है, शिव का पूजा ही होता है, महादेव का पूजा ही होता है। ये एक ऊपर से है, ये वाटरफॉल ऊपर से जो है ये झरना है। तो जितने भी नए आए हो मेरे वीडियो को देखने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन घंटी दबा के ऐसे ऐसे न्यू वीडियो आप देख सकते हो इस चैनल पर। तो देखते हैं, अगले जाते हैं इस वीडियो को लेकर। आप देखते रहना हार्ट से लास्ट तक, आप देखो इस वीडियो को और कितना प्यारा सा सीन है, कमेंट में प्लीज़ बताना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट भी करना। देखिए दोस्तों, ये है बाघ झोला, जो कि एक झरना है, बहुत प्यारा सा है। यही कुछ लोग आए हैं, नीचे में हैं जो कि लेडीज वगैरह हैं और लोगों भी है जो कि इस जगह पे आए हैं। ये टूरिस्ट जगह है बाघ झोला, वाटरफॉल बोलते हैं, बाघ दुल वाटरफॉल भी बोलते हैं। देखिए कितना सारा से पानी, कितना क्लीन से पानी आ रहा है ऊपर से, कितना अच्छा लग रहा है ये जगह देखिए। और ये वाटरफॉल देखिए, ये पानी का झरन कितना पूरा सुरीली आवाज़ से आ रहा है, कितना प्यारा से ये ऊपर से नीचे झर रहा है, जो कि बाघ झोला कहते हैं इस जगह। ये सीनरी कैसा दिख रहा है, ये अगर इस पे एक सेल्फी होगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पर कोई भी आदमी आएगा तो घूमने, वो एक दिन पूरा रुक के ही जाएगा, क्योंकि उतना प्यारा सा जगह है। आप देख सकते हो एक कैसा पानी ऊपर से नीचे झर रहा है, जो कि पानी ऊपर से नीचे झर रहा है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ऊपर से पूरा झर रहा है, ये फॉल है जो कि वाटरफॉल है।
ये देख रहे हो जो बाघ झोला बोलते हैं और बाघ द्वेल भी बोलते हैं, यहाँ शिवा का पूजा होता है और कुछ सालों में बाद यही एक बाबा रहता था जो कि जंगल भीतर में है। इस जगह को आने को आपको रास्ता है जो कि धामनतुरी ओर से नापड़ा से सीधा धामनतुरी आ जाना, उसी के धामनतुरी के रास्ते पे आना और वहीं पे आपको रास्ता मिल जाएगा इस जगह को आने के लिए। यही क्वार्टर में एक बाबा था जो कि कुछ सालों में अभी तो रहता नहीं है, यहीं पे एक बाबा रहता था जो कि ये गुम्फा है जो बाघ द्वेल बोलते हैं, बाघ झोला भी बोलते हैं। ये जो है बहुत ही प्यारा जगह है और यहाँ शिव का पूजा होता है। तो यहाँ जितने आदमी भी जानते हैं, बहुत लोग भी जानते हैं कि इस जगह बहुत अच्छा है और पानी भी झरता है, पानी भी रहता है, उसी के लिए इस जगह पे बहुत लोग आते हैं और इंजॉय करते हैं। और यहाँ देख ले हो, यहाँ ये शिव का लिंग है जो कि शिव का फोटो भी बनाया हुआ है और शिव का त्रिशूल भी है, ये शिव का फोटो है। यहाँ पर गुम्फा जो है आराम से बैठ सकते हो, यहाँ वो आगे है बाघ द्वेल है, आगे जो है बाघ गुम्फा है, ये दिख रहा है कहीं छोटा सा है इसमें जो गुम्फा बाघ गुम्फा, वहीं पे आगे बाघ रहता था। तो अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन इस जगह में एक बाबा ने बहुत दिनों से पूजा कर रहा है जो कि शिव का लिंग है, यह शिव का पूजा हो रहा है, महादेव का पूजा हो रहा है, बहुत सालों से यही पूजा हो रहा है, बहुत आदमी भी आते हैं देखने के लिए। और इस जगह भी बहुत सुंदर लगता है क्योंकि ये गुम्फा है, गुम्फा के ऊपर में भी है जो एक झरना है, बहुत वाटरफॉल है बड़ा सा है, वो देखे हो अब जो ऊपर वाला जो झरना है उसको तो आप देख चुके हो। ये है उसका क्वार्टर जो कि बाबा रहते हैं। इस जगह में बाबा भी कई साल रह करता था, कई साल होगा यहीं पे वो बाबा रहता था, अब तो नहीं है। ये लिखा है ओम नमः शिवाय देवा देवा महादेव लिखाया है। तो इस जगह कितना प्यारा लग रहा है देखिए दोस्तों, अगर आपको इस जगह आना है तो बहुत प्यारा लगता है देखिए।